जी दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से हड़कंप सा मच चुका है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के लिए सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती है तो फिर महाराष्ट्र में 9 नवंबर के बाद क्या हालात बनेंगे, इसको लेकर अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। बल्कि बीजेपी गठबंधन यानी बीजेपी और शिवसेना के बीच जो है सीएम पद को लेकर लड़ाई जारी है। लेकिन अगर बात करें तो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात तो हुई है, लेकिन माहौल अभी भी शांत बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तूफान के पहले जिस प्रकार से जो है शांत माहौल बन जाता है, उसी प्रकार बीजेपी बिल्कुल शांत बनी हुई है। तो बीजेपी क्या रणनीति यहाँ पर पर्दे के पीछे तैयार कर रही है, इसको कहना काफी मुश्किल है। लेकिन शिवसेना ने यहाँ पर खुला चैलेंज दिया है कि वो 50-50 के फॉर्मूले के साथ ही बीजेपी का सरकार बनाएगी। इसी बीच यहां पर कांग्रेस में भी इसको लेकर बातचीत हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो एनसीपी यहां पर शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच भी एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जिसके पास पहले बहुमत है सरकार वो ही बनाए, और हमारे पास विपक्ष में बैठने के लिए बहुमत है, इसलिए यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं बनती है तो फिर इस पर विचार किया जा सकता है। इसी बीच संजय राउत का एक और यहाँ पर बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर शिवसेना की सरकार आ जाती है तो महाराष्ट्र की जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा, ऐसा उन्होंने अभी अभी कॉन्फ्रेंस में जारी किया। जान दोस्तों, महाराष्ट्र के लिए अगर बात करें तो संजय राउत मिल चुके हैं यहाँ पर राज्यपाल से, और कहीं ना कहीं जो है सरकार बनाने को लेकर बीजेपी को आमंत्रित करने की बात कर रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी यहां पर कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में शिवसेना की मदद के बिना वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए अभी तक वो शांत है। कहीं ना कहीं शिवसेना का इंतजार करें कि शिवसेना अपनी मांगों को भुलाकर बीजेपी के साथ सरकार बना ले। तो ऐसे में जो है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का साफ तौर पर कहना है बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी और वो ही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के अंदर, ऐसी उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। लेकिन यहाँ पर शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि वो 50-50 की फॉर्मूले के ही जो शर्त है उस पर ही यहाँ पर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जो बीजेपी का फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर शिवसेना को सीएम पद नहीं है और ना ही बड़े मंत्रालय उनके द्वारा यहाँ पर मंत्रालय में दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल से संजय राउत मिलने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुमत है, तो ऐसे में यहाँ पर कह सकते हैं कि अमित शाह और बीजेपी के बीच जो है यहाँ पर मंत्रणा जारी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अमित शाह कुछ ना कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी अब तक बिल्कुल शांत रही है और शिवसेना लगातार यहाँ पर कटाक्ष करती आई है यहाँ पर बीजेपी का। और देखना ये होगा कि सरकार कैसे बनती है महाराष्ट्र के अंदर, किसकी सरकार बनती है, और अगर सरकार यहाँ पर नहीं बनती है तो महाराष्ट्र के अंदर जो है यहाँ पर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। या दोस्तों, 9 नवंबर तक अगर नई सरकार नहीं बनती है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। वही विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजे आपको दिखाएं तो बीजेपी के पास 105, शिवसेना 56, एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन 98, निर्दलीय 7, लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और ऐसे में शिवसेना की मदद के बिना सरकार बनना काफी असंभव है। शिवसेना चाहे तो एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन एनसीपी कांग्रेस को आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है, इसको लेकर एनसीपी कांग्रेस ने अभी चुप्पी थामी हुई है। और उन्होंने कहा कि इसके पास पहले बहुमत है, मतलब बीजेपी की तरफ इशारा किया है, बड़ी पार्टी बीजेपी है तो पहले वो यहाँ पर सरकार बनाए, अगर सरकार नहीं बनती है तो फिर वो आगे सोच सकती है, और ऐसा फॉर्मूला भी बन सकता है कि यहाँ पर शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बना सकती है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के अंदर जो है एनसीपी कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी वाले शिवसेना की सरकार बनेगी, क्योंकि 9 नवंबर तक अगर सरकार का गठन नहीं होता है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ऐसी बड़ी खबर अभी अभी सामने निकलकर आ रही है।